बेतावली में आई मेट अ ब्यूटीफुल कपल, तो इनसे पूछते हैं आपको कश्मीर आकर कैसा लगा? कश्मीर काफी अच्छी, बहुत सुंदर जगह है, बहुत। बाय बाय पाइन एंड पीक, और यहाँ से देखिए जी, तो ये मेरे गाइड रहेंगे, ठीक है। उस वक्त आप उधर दिखा रहे हमें लिपड़ मगर पीछे बालू दिख रहे हैं, और ये क्या सीन है? एंड आई एम अबाउट टू गो फॉर अ ट्रैक नाउ, इधर व्हाट टू लर्न लाइक जी, पहले चाय वगैरह हो जाए। आई मीन ब्रेकफास्ट तो मैंने घर पे किया नहीं था, तो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर एंजॉय करेंगे पहलगाम में भी। देखते हैं कितनी भीड़ है, बहुत टूरिस्ट भी आए, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो चलते हैं, अच्छे से कभी आएंगे तो पाइन एंड पीक कभी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। बाय बाय पाइन एंड पीक, और यहाँ से देखिए मंदिर है, वाह। जय उत्तर सर, हाँ। तो पहले सोचा कि जू जाते हैं, आई मीन 10th में एक बार एक्सकर्शन में, तो तब से लेकर आज जा रहे हैं। और मेरे साथ में आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ एक बंदे से, आपका नाम? मेरा नाम मलिक जावेद, मतलब मैं आपको जावेद अंकल बुला सकता हूँ ना जी। तो ये मेरे गाइड रहेंगे, ठीक है। पहले तो इतने नीचे से आना पड़ता है, अभी हमें ऊपर भी जाना है ना। पहले जब मैं यहाँ आया था उन दिनों जब मैं 10th में था, तब ये सीढ़ियाँ नहीं थी, तो ये बनवाई गई है, नहीं है ना? पब्लिक को दिक्कत होती है, बच्चे लोग होते हैं, छोटियाँ होती है, बड़े होते हैं, बुजुर्ग आदमी होते हैं, उनको चलने में दिक्कत होती है। अच्छा, इसलिए यहाँ पे सीढ़ियाँ लगाई गई, इसीलिए सीढ़ी लगा लो और थोड़ा इसको डेवलप भी करो। हाँ, एलिवेटर लगाने चाहिए थे आप। एलिवेटर लगाओ, लाइट पीस लगाओ, कुछ भी लगाओ। हाँ, अच्छी खासी भीड़ भी है इस सीजन, अच्छी है ना? भीड़ यहाँ पर, बहुत भीड़ है यहाँ, भालू है यहाँ, हिरन है यहाँ, अभी भी वही, तब से कुछ चेंज नहीं हुआ, कुछ मंगाया नहीं लोगों ने। छह महीने सीजन है, छह महीने इनका कैंसिल होता है पहलगाम का। अच्छा, ठीक। छह महीने क्यों? छह महीने यहाँ बर्फ की वजह से 60 फुट बर्फ होती है यहाँ पर, जहाँ पर मैं खड़े हूँ 60 फुट बर्फ होती है, यहाँ चलने में दिक्कत आती है। अच्छा, ठीक। गाड़ी नहीं, रोड जाम होता है, रोड ब्लॉक होता है। अच्छा, इसलिए यहाँ पर वो मेन प्रॉब्लम है। अभी चेंज नहीं हुआ बालू? अभी यहाँ पर यहाँ से है ना, एक है ब्लैक वाला, दो है। इसका नाम क्या है? डैन ऑफ हिमालयन ब्लैक बियर है। तो इस बियर के बारे में थोड़ा कुछ यहाँ पे लिखा है जी। तो हाँ जी, ये मेरे पीछे बालू, अगर आपको दिख रहा होगा, आप दिखाए जिस उस वक्त में उधर था, उधर से चेहरा नहीं दिखाया उस वक्त, आप उधर दिखा रहे हैं जी। अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पे, बालू को देख रहे सब। पहले यहाँ उतनी भीड़ नहीं थी, बट जब से कोविड खत्म हुआ है, पार्शली अभी बोल रहे थोड़ी भी आएगी, आई डोंट नो, बट थोड़ा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया। इतने लोग स्टिल आपका भाई ऐसे कर पा रहा है व्लॉगिंग के सामने, थोड़ा तो मुझे भी अजीब लग रहा है, मगर एक इस काबिल आप लोगों ने बनाया कि मैं इनके सामने व्लॉगिंग कर पा रहा हूँ। अब चलते हैं, यहाँ पे है क्या है, कॉमन लिपर्ड, देखते हैं इसको भी।
मुझे पहले ये समझ नहीं आया, लिखा है यहाँ पे कॉमन लिपर मगर पीछे बालू दिख रहा है, अरे ये क्या सीन है? इसके बारे में आप कुछ बोलो। बालू बालू आप जू आ रहे तो आपको एक अच्छी सी मतलब लोकेशन भी मिलेगी देखने को, एक अच्छा सा सीनरी और व्यू भी है यहाँ पे। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, और अच्छी खासी भीड़ भी है यहाँ पे। फिलहाल तो हम देख रहे, फिलहाल तो मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे लिपड़। ओ ये रहा ना, ये देखिए, अरे लिपड़ तो है बट ये तो जैसे मरा पड़ा है। तो हाँ जी, ये है यहाँ का लिपड़। लिपड़ तो सोया हुआ था, क्या करते, उठा नहीं। बट यहाँ पे चीता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पीपा टाइगर, रही कश्मीरी मस्क डियर का बोर्ड, और हिमालयन ग्रे गोराल भी इधर पे पाई जाती है। मगर मैं आपको बता दूं, ये दो चीजें मैं नहीं देख पाया क्योंकि वो यहाँ से है ना जंगल में, पता नहीं कहाँ सोए हुए होंगे। तो देखते आगे कहाँ चलते हैं हम आज के बेता वैली, सोचा यहाँ पे भी थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद लंच करेंगे, देन थोड़ा सा रेस्ट क्योंकि मैं थक गया और वक्त का बिल्कुल ही पता नहीं चलता कि 2:30 बज गए। चलिए देखते, यहाँ भी अच्छी खासी भीड़ है। बेता वैली में आई मेट अ ब्यूटीफुल कपल, तो इनसे पूछते हैं आपको कश्मीर आकर कैसा लगा? कश्मीर काफी अच्छी, बहुत सुंदर जगह है, बहुत बहुत सुंदर जगह है। और कश्मीर के बगैर आप कहाँ, ये पहलगाम के बगैर? हम तीन जगह घूमे हैं, एक श्रीनगर घूमे हैं, गुलमर्ग, सोनमर्ग, और आज हम पहलगाम है। चौथा पहलगाम मतलब इन जिधर जिधर आप गए उनसे कुछ डिफरेंट लगा आपको? पहलगाम नहीं नहीं नहीं, सब एक्चुअली काफी डिफरेंट है। मतलब श्रीनगर काफी डिफरेंट है सोनमर्ग, गुलमर्ग, गुलमर्ग और शिकारा राइड है वहाँ पे जी, तो वो अलग है। एंड जो मतलब बहुत सारे कहते हैं कि कश्मीर मतलब आते हैं तो मतलब डर लगता है, आप उनको कुछ कहना चाहेंगे बाहर के लोगों को? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस यहाँ पे थोड़ा जो प्लानिंग हो ट्रिप की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए जी, और फैकल्टी वगैरह, हॉस्पिटैलिटी अच्छी है यहाँ की। बस थोड़ा ध्यान रखना चाहिए आपको, थोड़ा अपना भी मतलब खुद का ध्यान रखना चाहिए, बेफिक्र नहीं। थैंक यू सर। मैंने सोचा था फॉरेनर्स मिलेंगे, फिर पता चली कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स ही बांधे, तो छोड़े फॉरेनर्स को। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। और ये देखिए, हमेशा की तरह नहीं बट पहलगाम का मौसम चेंज होता है। अभी धूप थी, देखिए धूप कहाँ, उसके पीछे चली गई, सन उसके पीछे चला गया। और कश्मीरी में कहते हैं ना कि ये थोड़ा उबर मतलब क्लाउडी हो गया, तो याद रखना कभी इधर आए तो कहते हैं उबर खोड़। चले निकलते हैं यहाँ से। लंच भी हो गया और फिर मैं थोड़ी देर सो गया था। अब ऐसा नहीं है कि पहलगाम आए बस घूमते रहे, मैं थक गया था। एक घंटा मैंने छोटा सा एक शॉर्ट नैप लिया, देन अभी बज गए 6, वक्त का पता ना चलते हुए आई थिंक घर जाना चाहिए। वैसे भी क्या है, कल परसों जब मर्जी तब मैं आ सकता हूँ। तो चले पहले घर चलते हैं। हे हाय, गुड मॉर्निंग। कल आई वॉज टायर्ड एंड मैंने थोड़ा सिनेमैटिक एडिट किया, आई फॉरगॉट टू एंड द वीडियो। अभी मुझे बाकी एडिट करना है। एनीवेज, वेलकम गए थे, जू गए थे, बेता वैली, देर आर मेनी थिंग्स टू एक्सप्लोर लाइक आरू वैली, एंड आई एम अबाउट टू गो फॉर अ ट्रैक नाउ इधर, बट टिल एंड लाइक टारसा मारसा, दीज आर द प्लेस, देखते कहाँ जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड। एनीवेज, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा गिव इट अ लाइक, चैनल पे नए सब्सक्राइब मेरे चैनल को। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। टूरिस्ट ढूंढते हैं और इनसे बात करते हैं, ठीक है।